अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं अजमत, आप देख रहे हैं टेक्निकल अजमत। दोस्तों आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल में उर्दू टाइपिंग कैसे कर सकते हो, उर्दू कैसे लिख सकते हो विदाउट एनी ऐप। आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी, बगैर एप्लीकेशन डाउनलोड किए आप अपने मोबाइल में उर्दू लिख सकते हो। बहुत सारे दोस्तों ने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड किया होता है पर उनके जरिए जो उर्दू लिखते तो उर्दू उनकी राइटिंग भी सही नहीं होती। तो आज की वीडियो में आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगा जिसके जरिए आप उर्दू बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो विदाउट एनी ऐप। इस पर पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी तो एक भाई ने कमेंट किया कि एमएस वर्ड में उर्दू कैसे लिखी जाती है। दोस्तों इस वीडियो में आपको जो ट्रिक शेयर करने वाला, इस ट्रिक के जरिए आप हर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के अंदर उर्दू लिख सकते हो। तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो उस वीडियो को आपने लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक टेक्निकल अजमत को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे करें ताकि आपको हर फायदा पहुंचाने वाली वीडियो की इत्तला सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। आपने अपने मोबाइल में फ़ोन कीवर्ड ओपन कर लेना, मैसेज का ओपन कर लेना या अपने व्हाट्सएप का ओपन कर लेना। तो यहाँ पर आपको आपके फ़ोन कीवर्ड में सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अगर आपके फ़ोन कीवर्ड में यह सेटिंग वाला ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा आइकन नज़र आ जाएगा, इस पर आपने अपने अंगूठे से दबा के रखना। दबा के रखने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो आपने अपने अंगूठे को सेटिंग की तरफ करके छोड़ देना। सेटिंग की तरफ करके छोड़ देने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आपके मोबाइल में ये नीचे भी आ सकता है और ये सेंटर पे भी आपको ये ऑप्शन मिल सकता है। तो यहाँ पर आपने लैंग्वेज पर क्लिक कर देना। लैंग्वेज पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऐड कीबोर्ड का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो आपने ऐड कीबोर्ड पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको बेशुमार लैंग्वेज मिल जाएगी। जो भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी, जहाँ के भी आप रहने वाले हो उसको आपने यहाँ से कर लेना। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि उर्दू टाइपिंग कैसे करें। तो मैं यहाँ पर उर्दू लिख लें तो ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर लिख लेना उर्दू। तो मैं यहाँ पर उर्दू लिख लें तो मैंने यहाँ पर उर्दू लिखा तो अभी आपके सामने उर्दू आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा हमारे पास उर्दू आ गई, सरेकी उर्दू, यहाँ पर उर्दू इंडिया, उर्दू लितिन, उर्दू पाकिस्तान। तो मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ तो मैं उर्दू पाकिस्तान पर क्लिक कर देता हूँ। उर्दू पाकिस्तान पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक डन का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो आपने डन पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा उर्दू पाकिस्तान। तो उर्दू पाकिस्तान हमारी लैंग्वेज में ऐड होगी। उसके बाद मैं वापस बैक चले जाता हूँ और आपको दिखाएँ तो आपने कैसे करना। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश नज़र आ जाएगी। तो पहले मेरी इंग्लिश ऐड थी तो अब उर्दू आपने कैसे करनी। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा गोल सा ऑप्शन नज़र आ जाएगा, डब्बा सा बना हुआ, तो इस पर आपने क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा उर्दू हमारी आ गई। अगर आपके मोबाइल में ये वाला नहीं है ये गोल सा, तो आपको ये सेंटर वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। सैमसंग के अक्सर मोबाइल में ये जो स्पेस वाला होता है, इसे आप साइड पर करोगे तो यहाँ पर आपकी उर्दू आ जाएगी। अगर ये भी आपके मोबाइल में नहीं है तो इस ऑप्शन को आपने अपने अंगूठे के साथ दबा के रखना। अभी मैं आपके सामने दबा के रखता हूँ इस ऑप्शन को, जो स्पेस वाला बटन होता बड़ा, तो इस पर आपने अपने अंगूठे को दबा के रखना। यहाँ पर आपको नज़र आ जाए कि आपने इंग्लिश में लिखना है या उर्दू पाकिस्तान। तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा अभी हमारी उर्दू पाकिस्तान है। अगर आपने इंग्लिश में लिखना तो आपने इंग्लिश पर क्लिक कर देना, अगर आपने उर्दू में लिखना तो आपने यहाँ से उर्दू में लिख लेना। तो इसकी रेटिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, जो चीज़ भी मर्ज़ी लिखें तो बहुत ही आसानी से मिलेगी, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कीवर्ड है, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल आप करें। आपको बग़ैर एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए मोबाइल ने बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन दिया। अगर आपको स्टाइलिश लिखना नहीं आता, व्हाट्सएप में ऐसे डिज़ाइन वाला मैसेज नहीं आता, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अपने मोबाइल में व्हाट्सएप का स्टिकर बनाना अपनी तस्वीर का, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक टेक्निकल अजमत को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।